शूटिंग पूरी हो गई है, फिल्म कब तक सिनेमा घरों में आ रही है, और फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो कौन कौन से लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। दिल तुझ पे कुर्बान फिल्म कंप्लीट हो गई है और उस फिल्म को मैं अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि फिल्म जल्दी से रिलीज़ हो जाए और सुपर डुपर हिट हो जाए, जिसमें रितेश पांडे जी हैं और अभय तिवारी जी हैं, राजू चौहान जी डायरेक्टर हैं। तो मैं सभी को और पूरी टेक्नीशियंस को बधाई देती हूँ फिल्म कम्प्लीट होने के उपलक्ष्य में। रितेश पांडे और अभय तिवारी की जोड़ी कैसी फिल्म में जमी है, कैसा रहा है दोनों का तालमेल? जैसे कि मेरी अभी राजू जी के साथ में बहुत अच्छे, मैं पहले से जानती हूँ उनको, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है और दोनों का ट्यूनिंग भी बहुत अच्छा है, तो इसकी वजह से केमिस्ट्री अच्छी होने से फिल्म भी बहुत अच्छी बन चुकी है। तो बस आप लोग वेट कीजिए, फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है। कहाँ-कहाँ फिल्म शूट किया गया है, क्या कुछ फिल्माया गया है? इस फिल्म के बारे में तो राजू जी मुझसे बेहतर आपको बता सकेंगे। जी, जी हाल ही में मैंने अभी रुद्रा फिल्म्स कंपनी की फिल्म है जो भैया जी सुपर नीलकंठ, भैया जी नीलकंठ मैं कर रही हूँ, अभय तिवारी जी उसमें है, राजू चौहान डायरेक्टर है वंस अगेन। और ये फिल्म हम लोग अप्रैल में देवरिया यूपी और बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस में शूट करने का उन्होंने प्लानिंग बनाया है। और क्या बताऊँ अभी, क्योंकि अभी इन्होंने जो फिल्म की है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई, मैंने कहा चलो मैं भी ये फिल्म करती हूँ। तो इस तरह से मैं अभी भैया जी नीलकंठ कर रही हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री से नए हीरो आ रहे हैं, जैसे अभय तिवारी जी की नई लॉन्चिंग हुई है, आप मुलाकात हो चुकी, किस तरह के एक्टर हैं बताएंगे? अभय जी से मैं मिली तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो नए हैं, उनका उनके साथ में मैंने हालांकि अभी एक गाने में रिहर्सल भी किया जिसमें उनके बॉडी में पूरा रिदम है, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा है और पर्सनैलिटी सुपर हीरो की तरह है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा करेंगे और अच्छी पर्सनैलिटी है, भोजपुरी लैंग्वेज जानते भी हैं, तो उनको फिल्म में ज़रूर काम करना चाहिए और अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहना चाहिए उनको। फिल्म डायरेक्टर राजू जी हैं, कभी काम किया आपने साथ? राजू जी के साथ में मैंने पहले एक फिल्म में काम किया था जिसमें मैंने एक सॉन्ग किया था और उनके साथ में हमारा फैमिली रिलेशन है, तो फिर जब भी उनके पास ऐसा कोई मौका आता है तो डेफिनेटली वो मुझसे पूछते हैं और हम लोग, और अब ये मौका मिला तो अब उनके साथ ये फिल्म कर रहे हैं। क्या लगता है पूरी यूनिट काम करेगी बढ़िया से? पूरी यूनिट तो सबके साथ में मैंने काम किया है और सबके साथ में मेरी ट्यूनिंग भी अच्छी है, एक्शन फिल्म है ये और एक्शन से भरपूर है, तो दिलीप जी हैं जो बहुत ही सुपर डुपर एक्शन के मास्टर हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली अच्छी फिल्म बनेगी एक्शन से। अभय जी के साथ काम करके आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं अभय जी के साथ में अप्रैल से काम स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इस बात को लेकर के आपका अभय जी का तालमेल बैठा है उससे से बात जो के साथ काम जैसे कि मैं अभय जी से मिली हूँ तो उनका नेचर बहुत ही मिलनसार है और चीजों को समझते हैं और मुझे लगता है कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी जो हमारे दर्शकों के सामने एक अच्छा नया एक जोड़ी के रूप में हम लोग सामने आएंगे। संगीता तिवारी, अभय तिवारी, दोनों तिवारी हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहना चाहेंगे, जोड़ी दर्शकों को कितना पसंद आएगी? जोड़ी दर्शकों को, मतलब मैंने बताया ना कि हमने अभी जितनी भी बातचीत की उसमें उनके साथ में मैं बहुत ही कंफर्टेबल थी, ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि कोई नया एक्टर है या कोई नया प्रोड्यूसर है, तो उनके साथ में ट्यूनिंग मुझे लगता है कि अच्छी रहेगी और तालमेल बिठाकर अच्छा काम करेंगे। आपको नहीं लगता कि अभय तिवारी नाम सुनकर के फिल्म में जब संगीता तिवारी होंगी तो दर्शक कुछ और ही मीनिंग निकालना शुरू कर देंगे? ऐसा एक बार और हुआ था जब मैंने इंसाफ फिल्म की थी मनोज तिवारी जी के साथ में, तो जब शूट ही करती थी तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, लोग मस्ती करते थे, मजाक करते थे, लेकिन हम एक कलाकार हैं, सर नेम इट्स ओके, बट जैसा जिनको अच्छा लगता है वो वैसा एंजॉय करें। फिल्म के पीआरओ संजय भूषण के लिए क्या कहना चाहोगे आप? संजय भूषण जी मेरे वन ऑफ द फेवरेट पीआरओ है और मैंने काफ़ी फिल्में की हैं तो जिसके पीआरओ उन्होंने किया है तो उनके साथ भी एक अच्छी ट्यूनिंग है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज के तारीख में भोजपुरी के नंबर वन पीआरओ है, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। भैया जी नीलकंठ की शूटिंग हम लोग अभी मैंने सुना है कि अप्रैल में प्लानिंग कर रहे हैं और देवरिया और यूपी में काफ़ी जगहों पर शूट की जाएगी। और कौन कौन से कलाकार हो सकते हैं आपके साथ?
अभी तो फिलहाल ये सब डायरेक्टर बताएंगे जो राजू जी है। अपकमिंग फिल्में मेरी अभी जो हाल ही में मैंने राजस्थान में सुनील जगोटिया जी के साथ में फिल्म कंप्लीट की है, गुमराह फिल्म है, टकराव फिल्म भी रिलीज के लिए तैयार है, और हर हर महादेव है। लेट्स सी ये लोग कब रिलीज करते हैं। दस तारीख की होली के लिए मैं सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी होली के उपलक्ष्य में, और बस यही कहूंगी कि हैप्पी होली, शुभ होली, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, होली खेलिए लेकिन अपने एक लिमिट में, और अच्छे अच्छे रंगों का इस्तेमाल करें और ज्यादा दूसरों को नुकसान ना हो उस तरह का कलर का उपयोग करें। कोरोना वायरस के लिए क्या-क्या नहीं, कोरोना वायरस है वो किस तरह से? जी, कोरोना वायरस के लिए मैं यही कहूँगी कि अपने आसपास का वातावरण को साफ रखें, जिसको सर्दी जुकाम है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे, और अच्छे अच्छे सैनिटाइजर जिससे अपने हैंड वॉश करे, डेटॉल से हैंड वॉश करे, साफ सफाई का खास ध्यान रखे। अगर किसी को सर्दी जुकाम होता है तो वो अपने आप को पहले ठीक करे, उसके बाद पब्लिक में जाए, और अगर कोई पब्लिक में जाता भी है तो मास्क लगा के जाए, थोड़ा सा सुरक्षा के हिसाब से करे, गर्म पानी पिए और गर्म चीज़ खाए पिए, तो उससे मेरे ख्याल से कोरोना ज़्यादा ठंड में होता है तो गर्मी उसको ज़्यादा मिलेगी तो वो कीटाणु जो मर जाएगा। जिसके घर पे डेटॉल नहीं हो कैसे करेगा? साबुन है, डेटॉल है, साबुन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, गर्म पानी से हाथ धो सकते हैं तो वो कोरोना वायरस वही मर जाएगा। जी मैंने पवन जी का ये जो होली वाला सॉन्ग है ये कल ही देखा है, और मैंने बहुत प्राउड फील किया ये सॉन्ग देख के कि हमारे भोजपुरी की फिल्में तो चलती है, लोग जानते हैं, लेकिन पवन जी की वजह से आज हमारा भोजपुरी बॉलीवुड को टक्कर देने के लिए तैयार है। मुझे ये गाना देख करके मैं बहुत ही प्राउड मैंने फील किया, और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी धीरे 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 उस मुकाबले में पहुँचेगी। भोजपुरी के एक फेमस सिंगर है जिसने कोरोना वायरस के ऊपर गाना निकाल दिया है, ये मैंने सुना नहीं। खुशबू उत्तम नाम है उनका। क्या बोला? खुशबू उत्तम जी। अच्छा, कोरोना वायरस के ऊपर पूरे 4-5 मिनट का सॉन्ग निकाल दिया, इस बारे में आपको क्या? इस बारे में तो पहले मैं सुन लूंगी सॉन्ग, तो फिर कुछ कह पाऊंगी, सुना ही नहीं सीरियसली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।